तो इसी बीच बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां राजभवन और सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। राज्यपाल ने लौटाई विशेष सत्र बुलाए जाने की फाइल। कृषि कानून के विरोध में बुलाया गया था विधानसभा का यह विशेष सत्र। एक दिन पहले ही सरकार ने विशेष सत्र को लेकर राजभवन फाइल को भेजा हुआ था। राज्यपाल ने सरकार से पूछा, जब 58 दिन पहले ही सत्र बुलाया गया था तो ऐसे में कौन सी परिस्थिति आ गई कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो राज्यपाल और सरकार दोनों आमने सामने, इस वक्त की बड़ी खबर। एक दिन पहले सत्र को लेकर सरकार ने राजभवन में पत्र भेजा था, विशेष सत्र को बुलाए जाने को लेकर यह पूरा पत्र था। ये टकराव की स्थिति है। राज्यपाल ने लौटाई विशेष सत्र बुलाए जाने की फाइल को, लौटा दिया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विशेष सत्र बुलाए जाने की फाइल को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लौटा दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां राजभवन और सरकार के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ गया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर पहले भी राज्यपाल अनुसुईया उइके अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी है। विशेष संवाददाता आशीष तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष जी, पहले ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त बयान दे चुकी हैं राज्यपाल अनुसुईया उइके, अब विशेष सत्र को बुलाए जाने की फाइल को बेरंग लौटा दिया गया है राजभवन से। देखिए, बिल्कुल सवाल तो उठते हैं ऐसे में कि राजभवन और सरकार के बीच का टकराव अब दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल कल ही संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने यह बयान दिया था कि 27 और 28 तारीख को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जा सकता है और सरकार ने अपनी मंशा राज्य सरकार को भी जता दी थी और राज्यपाल की मंजूरी के लिए इस प्रस्ताव को भेजा गया था। चूंकि छत्तीसगढ़ विधानसभा की अधिसूचना राजभवन से जारी होती है, लिहाजा इस प्रक्रिया को सरकार ने अपनाया था। लेकिन आज राजभवन ने सरकार की इस फाइल को, इस प्रस्ताव को लौटाया है और कुछ क्वेरी निकाली है। क्वेरी इस बात को लेकर निकाली है कि 58 दिन पहले जब विधानसभा का सत्र बुलाया जा चुका है तो ऐसे में कौन सी परिस्थिति है कि सरकार विशेष सत्र बुलाना चाहती है। इधर सरकार की मंशा साफ है, कृषि कानून जो केंद्र ने पारित किया है उस कानून के विरोध में छत्तीसगढ़ सरकार कुछ जरूरी अमेंडमेंट राज्य विधानसभा में करना चाहती है और यही वजह है कि सरकार ये विशेष सत्र बुला रही है। लेकिन इस टकराव के बीच जो जानकार है वो कहते हैं कि राज्य सरकार का प्रिविलेज है ये कि सरकार कितनी दफे भी सत्र बुला सकती है जनहित के मुद्दों को लेकर। लेकिन एक जानकारी ये भी मिल रही है कि राजभवन ने जो क्वेरी निकाली है उस क्वेरी का जवाब राज्य सरकार की ओर से आज देर शाम तक दिया जा सकता है और इसके बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार की जो मंशा है विशेष सत्र आहूत करने की वो तय वक्त पर सरकार के द्वारा निर्धारित वक्त पर ही ये सत्र आहूत किया जाएगा और सरकार कुछ जरूरी अमेंडमेंट जो करना चाहती है वो राज्य विधानसभा में कर सकती है। बहुत शुक्रिया आशीष जी तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए एक और बड़ी खबर।